हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर है। 28th of April है आज और संडे का दिन है। संडे बोलते हुए इतना भारी फील हो रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि संडे को भी ऑफ ले लिया जाए, मैं भी छुट्टी ले लूँ, आप लोगों को भी छुट्टी दे दूँ, बट ये हो नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि द हिंदू कभी भी पेपर छापना नहीं छोड़ेगा। संडे को भी वो अपना न्यूज़ लेकर आ जाते हैं, भले ही वो न्यूज़ कुछ काम की ना हो, बहुत कम काम की चीज़ें हो, बट हमारा और आपका काम तो बढ़ ही जाता है। खैर कोई बात नहीं, संडे को फंडे बनाएंगे, लेकिन एक घंटे पढ़ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद से दिन भर तो टाइम हमारे पास है ही, फंडे करेंगे हम। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आज के हाईलाइट्स को। हाईलाइट्स क्या हैं? कुछ जगह, एक दो जगह एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड में आग लगी हुई है बहुत मैसिव लेवल पे, 72 घंटों से वो आग बुझ नहीं रही है, उसको चैलेंज है वहाँ के गवर्नमेंट के लिए, तो उसको देखेंगे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। साथ के साथ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ आई हुई है, एडिटोरियल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, और मैंने जैसे बोला था कि कल एक एडिटोरियल आया हुआ था जिसको मैं डिस्कस करूँगी, तो आज मैंने उसको यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो सारी जो न्यूज़ है हाइलाइट्स के थ्रू पहले सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसमें इन डिटेल चर्चा करेंगे आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो बिना वक्त गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं, और आज ना चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हाईलाइट क्या है हमारी, फर्स्ट हाईलाइट है ओवर 140 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड ग्यूटेड इन उत्तराखंड वाइल्ड फायर्स। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई है, ऑलमोस्ट 140 हेक्टेयर के एरिया में आग लगी है, और 72 घंटों से पिछली ये आग लगी हुई है। इसके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको आर्मी की हेल्प लेनी पड़ रही है, एयरफोर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, इतने बड़े लेवल पर ये आग लगी है। तो देख लेंगे, अब हम ये इसलिए नहीं देख रहे हैं कि आग लगी है, वैसे भी जंगल में आग लगना अभी तो ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अमेजन के फॉरेस्ट में भी आग हमेशा लगती रहती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इस वजह से होती है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो और इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए कहीं पर आग की छोटी सी भी चिंगारी फेंक देते हैं तो वहाँ पे आग लग जाती है। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं फायर, फॉरेस्ट फायर के, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो एरिया, जिस एरिया में ये लगा हुआ है आग, वो भीमताल लेक और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है ये आग लगी हुई है। तो हम उसको देखेंगे अपने ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो तरीके के क्वेश्चन होते हैं जैसे ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाएगा तो लैंड वगैरह पूछ ली जाती है, कोई आपके लेक्स हो गई उसके बारे में पूछ लिया जाता है, और कैसे पूछा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, किसी इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में आ जाती है, उसके बारे में, उस लोकेशन के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, भीमताल लेक के बारे में देखेंगे, भीमताल लेक और ये जो पूरी उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट फायर है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो अच्छे से उसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ क्या है, इंडिया सेट टू साइन ट्रेड डील विथ ओमान टू एक्सपांड इट्स वेस्ट एशिया टाइज। तो देखिए, ओमान जो है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में आता है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ में भी ओमान एक पार्टिसिपेंट है, एक कंट्री है, और हमारे लिए ओमान का महत्व बहुत ज़्यादा है। हमारे ओमान के साथ में ट्रेड तो बहुत कम लेवल पे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हम ट्रेड नहीं करते उसके साथ, लेकिन चूंकि ओमान जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में आता है, और गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको आगे देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा आर्टिकल है। अभी ये डील हुई नहीं है, होने वाली है, लेकिन अभी ही न्यूज़ छपी है तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। साथ के साथ इंडिया और ओमान के क्या अभी फिलहाल में रिलेशन है, क्या टाइज उनके बीच में है, उसको हम देखेंगे। तो ये आपके जीएस पेपर 2 में जो रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है, उससे यहाँ पर लिंक होता हुआ ये पूरा टॉपिक रहेगा। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, रॉक्स विथ एविडेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड। तो अभी एक अर्थ का छोटा सा पार्ट, कोई रॉक है जो चट्टान है, उसको डिस्कवर किया गया है, और वो बहुत लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पुराना है, और साथ के साथ में उसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, और उस रॉक को रिसर्च करके ऐसा पता लगा है कि बहुत साल पहले, बहुत लाखों सालों पहले क्या हुआ है, जब धरती का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, उस टाइम पर, उस पीरियड में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स अर्थ के सराउंड में काम करते थे, तो इस रॉक के रिसर्च से ये बात सामने आई है। तो देख लेंगे, छोटी सी न्यूज़ है उसको, और एनवायरनमेंट के लिहाज से या ज्योग्राफी के लिहाज से टॉपिक इस तरीके के हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अगली हमारी न्यूज़ क्या है, विल न्यू इंश्योरेंस रूल्स हेल्प सीनियर सिटीजन। तो ये एक एडिटोरियल आया हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के। अभी जो इडाई है जो क्या काम करती है, इंश्योरेंस रेगुलेशन का काम करती है, उसने कुछ अपनी नए रूल लाए हैं। तो रूल 2024 आया है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें क्या चीज़ें मेंशन की गई है और वो किस तरीके से बेनिफिट करेगी हमारे सीनियर सिटीजन्स को, इसको हम देखेंगे। अब ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि GS पेपर 2 में ही जो आपका सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वहां पर ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। वो बोलते हैं ना कि जिस समाज में बुजुर्ग होते हैं उनका अनुभव हमारे लिए बहुत काम करता है और उनको हमेशा अपने पास संजो करके रखना चाहिए। तो सीनियर सिटीजन्स से रिगार्डिंग ये जो न्यूज़ है उसको हम देखेंगे, एडिटोरियल देखेंगे और वहां से हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इंपैक्ट एशिया। तो ये एक छोटा न्यूज़ एडिटोरियल है, एशिया के रेस्पेक्ट में बात करता है कि जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं वो एशिया को, पर्टिकुलरली एशिया को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए हैं, हम देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डाटा है तो एकदम ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं सकते, हमारी भी एक कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा डाटा रिटेन करने की हमारी भी क्षमता नहीं है और वो एग्ज़ाम में भूल ही जाते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा होंगे उसको देख लेंगे, साथ के साथ एशिया फिर क्यों इतना ज़्यादा ये क्लाइमेट का इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो न्यूज़ रहेगी इस प्रकार रहेगी। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग क्या रहेगी, अगला हाईलाइट है केमिस्ट ग्रुप रेजिस्ट सेंटर्स मूव टू सेल ड्रग विदाउट लाइसेंस। अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, कुछ OTC दवाइयां होती हैं, OTC दवाइयां होती हैं ओवर द काउंटर। OTC ओवर द काउंटर मींस क्या होता है, ये इस तरीके की दवाइयां होती हैं जिनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं, लाइक पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्प्रिन वगैरह, जो सर दर्द की दवाएँ, बुखार की दवाएँ, वो क्या होती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप जनरली मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और आप वो दवाई मांगते हैं आपको मिल जाती है। तो इस तरीके की दवाइयों को कहते हैं OTC। अब इस OTC दवाओं से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लाया था जिसमें उन्होंने बात की थी कि बिना लाइसेंसिंग के भी इस तरीके की दवाएं बेची जा सकती है। तो इस वजह से जितना भी केमिस्ट ग्रुप है या जितने भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब ये पूरा टॉपिक जो है वो GS पेपर 3 में हेल्थ से रिलेटेड है, तो हम इसको देखेंगे कि क्यों कंसर्न रेज कर रहे हैं जो भी अलग अलग हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ क्या है, सेंटर रिलीजेस डिजास्टर रिलीफ फंड फॉर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये न्यूज़ हमने ऑलमोस्ट एक महीने पहले डिस्कस की थी, जब इलेक्शन टाइम में पास में आता है तो अलग अलग स्टेट्स क्या करते हैं सेंटर के खिलाफ में अपने अपने कंसर्न, अपने अपने इशूज़ रेज करते हैं। तो उस टाइम में हमने देखा था कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन अलग अलग राज्यों ने गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनको फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है और वो फंड उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिजास्टर की वजह से फ्लड आया हुआ है या कोई भी साइक्लोन आया है जिसकी वजह से उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड रिलीज़ किया है। अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पर भी इलेक्शन हो ही रहे होंगे, बहुत सारे चरणों में मतदान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अगर वो इस तरीके से फंड को रोक कर रख देगी तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने लोकल जो जनता है उसको इसी तरीके से बरगलाने की कोशिश करेगी कि भाई देखो सेंटर जो है वो तो पैसा ही नहीं देता तो आप उनको वोट मत देना। इस वजह से ये इलेक्शन को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो करती रहती हैं। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, फूड सोल्जर्स ऑफ केरला साइलेंट रिवॉल्यूशन अगेंस्ट वेस्ट। तो ये मैंने कल जो बोला था कि कल हम इसको डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल्स बहुत खास नहीं होंगे तब, तो ये जो न्यूज़ है, ये जो एडिटोरियल है वो क्या है, केरला से रिलेटेड है। पर्टिकुलरली केरला में एक स्कीम चलती है, एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन चलता है जहाँ पर वेस्ट को क्या किया जाता है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको कुछ कोर्सेज में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो देख लेंगे, अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप एक तो GS पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक आता है वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं और इस तरीके के केरला के एग्जांपल को आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में कोट करके बता सकते हैं कि इस तरीके के इनिशिएटिव यहाँ यहाँ पर चल रहे हैं। तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स हैं, संडे है लेकिन आर्टिकल्स आज अच्छे ठीक ठाक न्यूज़ आई हुई है तो हम उसको देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए ये तो हाईलाइट्स देख ली, अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पहला टॉपिक सबसे पहले जैसे कि हमने बताया क्या है, ओवर 140 हेक्टेयर ऑफ
फॉरेस्ट लैंड ब्यूटेड इन उत्तराखंड. क्या हुआ है, अभी वहाँ पर जंगल में आग लगी है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये आग लगी है और लगभग 72 घंटों से ये आग चल रही है, अभी भी बुझ नहीं रही है. इसको बुझाने के लिए आर्मी की हेल्प ली जा रही है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा, और उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ साथ में कुछ वहाँ पर मेजर्स लिए हैं इस आग को बुझाने के लिए, जिसमें एक एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है. कौन सा? भीमताल लेक. तो भीमताल लेक जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से न्यूज़ में आ गया है. अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी में इसी तरीके से लोकेशन से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना. तो भीमताल झील या भीमताल लेक के बारे में यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है और ये चर्चा में आया है. क्यों? क्योंकि अभी जो जंगल की आग लगी हुई है, उत्तराखंड है ये, यूके ब्रिटेन मत समझ लीजिएगा. तो भीमताल जो उत्तराखंड में है, वहाँ की पानी का, उस झील के पानी का यूज़ करके इस जंगल की आग को बुझाने के लिए वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है. तो इस वजह से देखिए, कभी भी कोई चीज़ इस तरीके की होती है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है, जंगल की आग है, ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट होती है, ये सीधे सीधे GS पेपर 3 में इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से रिलेट करता है और प्रिलिम्स पास में आ रहा है. प्रिलिम्स में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा वेटेज है और वहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, लोकेशन से क्वेश्चन बनते हैं. और लोकेशंस UPSC ऐसे तो नहीं है कि कहीं से भी उठा के अपने मन से सपने में आया और उन्हें उठा के दे दिया, ऐसा तो होता नहीं है. जो भी टाइम टाइम पे चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, जो लोकेशंस न्यूज़ में रहती हैं, वहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है. तो अभी फ़िलहाल इस फॉरेस्ट फायर की वजह से, इस जंगल की आग की वजह से क्या हो गया है, भीमताल लेक जो है वो न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है. और ये पूरी आग लगी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल सिटी है, वहाँ पर ये पूरी आग लगी हुई है. नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जो एरिया है, वहाँ पर ये आग लगी हुई है. तो ध्यान में रखिएगा एक भीमताल झील के बारे में. भीमताल झील आप, हो सकता है कहीं आपको पेपर में ऑप्शन में मिल जाए कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में है, ठीक है. अब चलते हैं हमारे अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ. ये जो पूरा टॉपिक है, ये आपके GS पेपर 2 में जो इंटरनेशनल संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उससे संबंधित है. तो IR से आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं. बात किसके बारे में की जा रही है, इंडिया और ओमान के बारे में. तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया और ओमान के बीच में एक टाइप हो रहा है, किसको लेकर के, बिजनेस को लेकर के, वाणिज्य को लेकर के. तो इकोनॉमी से रिलेटेड ये टाइप होने वाला है अभी इंडिया और ओमान के बीच में. तो फिलहाल हुआ तो नहीं है ये, लेकिन न्यूज़ छपी है और इसमें बात की गई है कि ये जो टाइप होने वाला है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो ओमान है वो GCC में आता है. GCC मीन्स क्या होता है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल. गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में बहुत सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, लगभग 7-8 जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ हैं. और ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो क्या काम करती हैं, ये जो संयुक्त अरब अमीरात हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, ये सारे जो है वो इस गल्फ कॉरपोरेशन जो काउंसिल है, GCC है, उसमें आते हैं. और ये अगर हम मान लीजिए ओमान के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, अगर एक उस ग्रुप में से किसी एक देश के साथ भी हमारे अच्छे संबंध होते हैं, तो हमें फिर उस ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है. वो वैसे ही जैसे होता है ना कि हमारे एक पीयर ग्रुप होता है जिसमें 4-5 लोग होते हैं, उसमें से किसी एक फ्रेंड के साथ में, मान लीजिए आप आउटसाइडर हैं और उनमें से किसी एक के साथ में आपके अच्छे रिलेशन है, वो आपका फ्रेंड बन गया, तो बाकी 5 के साथ वैसे ही दोस्ती हो जाती है. तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि इंडिया और ओमान के खुद के टाइप तो हैं, खुद जो वाणिज्य से रिलेटेड टाई होने वाली है उसके बेनिफिट्स तो अपने आप में है ही, लेकिन इसके साथ साथ GCC में एक्सेस मिलना भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया और ओमान से रिलेटेड ये जो न्यूज़ आई हुई है, अभी क्या होगा ये आगे चल के, क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स मिलेंगी इंडिया को, क्या बेनिफिट मिलेगा ओमान को, ये तो अभी पता नहीं है क्योंकि ये टाई होने वाली है. लेकिन इंडिया और ओमान के हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हमारे लिए जानना ज़रूरी है. और ये आपको कहीं ना कहीं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर डाटा और फैक्ट डालते समय में ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हम फैक्चुअल डाटा के माध्यम से देख लेते हैं कि इंडिया और ओमान के फ़िलहाल में क्या रिलेशन है. तो अभी जो वित्त वर्ष 2021-22 है, उसमें क्या हुआ, ओमान भारत का 34वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा. यानी कि निर्यात बाजार कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ. कितने नंबर पे? 34th नंबर पे ओमान वो कंट्री है जहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है. तो इंडियन एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो इंडिया के लिए ओमान की बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है. और जो ओमान है वो बहुत ज़्यादा अभी डेवलप्ड नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड
करता है अदर कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट के मामले में या इम्पोर्ट के मामले में। तो हम क्या है, जनरली हम चाइना के साथ ट्रेड में हम क्या है, डेफिसिट में है, घाटे में है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, यानी कि हम चाइना से आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। इस वजह से क्या है, हम वहाँ पर व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट का सामना करते हैं। लेकिन इन तरीके की जो कंट्रीज़ होती हैं, ओमान हो गया या फिर अदर गल्फ कंट्रीज़ हो गई, कोई छोटी अन्य कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इन कंट्रीज़ के साथ हमेशा हमारा क्या होता है, ट्रेड सरप्लस होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और फैक्ट क्या है, 2021-22 का ही डाटा है कि ओमान में भारत का आयात कितना है, 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लगभग ओमान के साथ भारत का व्यापार है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ओमान के साथ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर व्यापार नहीं है हमारा। अगर हम पैसे के फॉर्म में देखें उस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हम व्यापार नहीं करते हैं ओमान के साथ में। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस ओमान की ज़्यादा है, क्योंकि वो गल्फ़ कंट्रीज़ में आता है। साथ के साथ जब आप मैप देखते हैं इसमें, तो मैप में क्या होता है, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर यमन है, यहाँ पर ओमान है, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे रफली बता रही हूँ, यहाँ पर यमन है, यहाँ ओमान है, और यहाँ से जाती है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। तो ये जो हार्मुज स्ट्रेट है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है सभी के लिए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हों। यहाँ पर आपको ईरान मिल जाएगा। मैप आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, रटा होता है जब मैप, तो आप क्या करते हैं, अपने आंसर राइटिंग में भी उस चीज़ को लिखते हैं, और इससे बहुत वैल्यू एडिशन मिलता है, आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, और ये क्या करता है, एक्सेस देता है वर्ल्ड को क्या करने के लिए, ऑयल का बिजनेस करने के लिए या ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से ओमान का साथ के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हम ओमान के साथ में अपने संबंधों को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ हुई। अब और देख लेते हैं फैक्ट क्या है कि ओमान भारत का 24वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है। ठीक है, तो भारत जो है वो आयात भी करता है, ऐसा नहीं है कि ओमान को सिर्फ एक्सपोर्ट ही हम करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। और ओमान जो है वो भारत का 24वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है, मतलब 24th नंबर पे हम आयात करते हैं और 34th नंबर पे ओमान आता है जब भारत से एक्सपोर्ट की बात आती है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इस तरीके के पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2021-2022 में क्या हुआ है, 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ ओमान भारत का 31वां सबसे बड़ा व्यापारिक क्या है, साझेदार है या भागीदार है। तो ये सारे डेटा है, बिल्कुल इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो टाई है वो जब होगा, जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर पता चलेगा कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया गया भारत और ओमान के बीच में। खैर, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है ये जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी वाला एरिया है वहाँ पर आपको रिलेट करना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में बात जब की जाती है तो कहीं ना कहीं पे बात की जाती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और हमेशा समय समय पर इस तरीके की रिसर्च, इस तरीके की खोज होती रहती है, क्योंकि सभी को मालूम है कि अर्थ के नीचे, जो ज़मीन के नीचे क्या है, अभी तक ये पता नहीं है। वहाँ पर पहुँचने के लिए सोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति के लिए तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि वो जा करके वहाँ से आयरन ओर निकाल के ले आए, या चट्टानों का कोई टुकड़ा लेकर के आ जाए और फिर उसको रिसर्च करके लैब में पता चल जाए कि धरती के अंदर क्या है, कैसे वो बना। ठीक है ना, हीट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन क्या होता है, समय समय पर जब रिसर्च होती रहती है तो कहीं पर पत्थर के ऐसे टुकड़े मिल जाते हैं जो कुछ बहुत अरबों, लाखों अरबों साल पुराने होते हैं, तो उनको रिसर्च करके लैब में, और फिर ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि हाँ, अर्थ की पहले कंडीशन ऐसी रही होगी। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है, रॉक्स विथ एविडेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड। तो अभी क्या हुआ है, डिस्कवरी हुई है किसके द्वारा, MIT जो है, मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट बोला जाता है, इस यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ ने मिल करके क्या किया है, एक इस तरीके का रॉक खोजा है, एक तरीके की चट्टान खोजी है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसमें 3.5 मिलियन वर्ष पहले क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों और काम करता था। अब इसमें लगभग रिसर्च होगी, उसके बाद पता चलेगा। तो देखिए, अबाउट रॉक आर अबाउट 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड रिटेन सिग्नेचर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ अ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 15 माइक्रो टेस्ला। तो क्या हो रहा है, 3.7 बिलियन ईयर्स पुराना ये रॉक है,
और इससे पता चलता है कि पहले जो थी अर्थ के जो पहले अर्थ के अराउंड में सराउंडिंग्स में इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड काम करती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा खोजा गया है, तो MIT और ऑक्सफोर्ड ये दो यूनिवर्सिटीज़ ने मिल करके खोजा है। और कितने पुरानी है ये, 3.7 बिलियन ईयर्स पुरानी ये रॉक है। अभी इस पर फिर से रिसर्च वगैरह चलती रहेगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर मिला है, तो जो साउथ वेस्टर्न ग्रीनलैंड एरिया है, जो ग्रीनलैंड आपको मालूम है कि यहाँ पर ग्रीनलैंड ही है जहाँ से आपको स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरे वर्ल्ड का वो डिसाइड किया जाता है ना, तो ग्रीनलैंड के पास में जो साउथ वेस्ट जो है, साउथ वेस्ट जो ग्रीनलैंड है निचला हिस्सा यहाँ का, वहाँ पर इस तरीके के रॉक की खोज की गई है, जिससे पता चला है कि अर्थ के सराउंडिंग्स में पहले जो है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले क्या होता था, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड काम करती थी। तो ये एक छोटी न्यूज़ है, दो तीन पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसको देख लिया। MIT और ऑक्सफोर्ड ने खोजा है, कहाँ पर खोजा है, तो ग्रीनलैंड वाले एरिया में इसको खोजा गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल किसके बारे में है, विल न्यू इंश्योरेंस रूल्स हेल्प सीनियर सिटीजन्स। तो ये नया इंश्योरेंस रूल आया है, इस रूल का नाम क्या है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस 2024। तो ये नया रूल आया है, किसके द्वारा आया है, तो IRDAI के द्वारा आया है। तो IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, इस तरीके के टाइम टाइम पे इंश्योरेंस से रिलेटेड रूल्स वगैरह लेकर के आता है, और वो हमेशा इसमें क्रॉस चेकिंग करता है कि क्या सिटीजन्स की डिमांड है और किस तरीके से उनको और ज़्यादा बेनिफिट्स दिया जा सकता है। तो इस एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा खास चीज़ें नहीं बोली गई, हाँ एक दो चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि क्या बात की गई है, अभी बात की गई है कि आयुष जो है, आयुष में क्या क्या आता है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी आता है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो आयुष सिस्टम को भी क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अभी तो सिर्फ एलोपैथिक जो भी इलाज होता है उसमें इंश्योरेंस काम करता है, इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आयुष को भी शामिल कर दिया जाएगा तो जितने भी तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो चाहे वो आयुर्वेद हो, हर तरीके के ट्रीटमेंट के लिए जो है इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है। तो ये एक डिमांड है जिसको इसमें शामिल करने की बात की गई है। अभी इस एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, वही घुमा फिरा की चीज़ें बताई गई हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर सीनियर सिटीज़न को इंश्योरेंस मिलता है। देखिए डेफिनेटली आपने देखा ही होगा, आप देख भी रहे हैं कि अभी जो समाज जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर समाज हो रहा है। न्यूक्लियर समाज कहने का मतलब है कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट चलता है, और जनरली ये केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर एक देखा था कि कोई आर्मी ऑफिसर है, उनकी बेटी, और फिर भी उनके पिता जो है वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो इस तरीके की कंडीशंस हमेशा बनती रहती है। सीनियर सिटीजन्स को जब एक एज हो जाती है उसके बाद में परिवार जो है वो बोझ समझने लगता है और फिर वो वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके की जब इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं तो किसी तरीके का बर्डन उन व्यक्तियों के ऊपर, उन सीनियर सिटीजन्स के ऊपर नहीं पड़ता अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई फायदा चाहिए, या कभी आफ्टर 60s क्या होता है, बहुत सारे मेजर्स बीमारियां होने लग जाती हैं ना। अभी तो आफ्टर 30 तो 40 में ही बहुत सारे मेजर्स जो आपके कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ रिलेटेड होने लग गए हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी होती है इंश्योरेंस वगैरह उसके थ्रू क्या होता है कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं जो 60 साल के बाद में जब वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होती है, तो अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड या कोई भी समस्या होती है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो वहां पर उनको इंश्योरेंस के थ्रू थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो इलाज के लिए उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है अगर पहले से इंश्योरेंस होता है। फिलहाल ये जो पूरा एडिटोरियल है वो बात कर रहा है नए रूल्स के बारे में, तो हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नए नियम क्या किए गए हैं, क्या शामिल किया गया है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है और यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नए नियम को शामिल क्या किया गया है, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि जो IRDAI है वो क्या है। तो IRDAI जो है वो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसका हिंदी वर्जन है, और ये क्या करता है, जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा मध्यस्थों को भुगतान किए जाने का काम करता है। मतलब कि कई सारी कंपनियां होती है, जैसे LIC है वो क्या करती है, वो भी आपको इंश्योरेंस देती है। तो LIC की तरह ही बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो क्या काम करती हैं, इंश्योरेंस देने का काम करती हैं लोगों को। आजकल तो तरह तरह के इंश्योरेंस आ गए हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, है ना। तो ये जो बीमा कंपनियां होती हैं उनको क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगी, उनको रेगुलेट करने का काम ये IRDAI करती है। तो एक तरीके से इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी मामले हैं
जो भी इश्यूज है, जो भी कंसर्न है, उसको IRDAI देखने का काम करती है। अभी जो इनका नया नियम आया है 2024 का, उसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, उसमें नए नियम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि बीमाकर्ताओं के द्वारा खर्चों की एक सीमा तय की जाएगी और इसमें कमीशन और परिचालन व्यय सहित एक ही बजट होगा। ठीक है, ये तो चीज़ें हुई। उसके बाद में क्या होगा कि EOM नियमों का उद्देश्य बेहतर मूल्य निर्धारण के माध्यम से पॉलिसी धारकों को लाभ पहुँचाना है। अभी कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, एक तो टाइम लिमिट में चेंजेस किए गए हैं 65 ईयर वाला, ठीक है, साथ के साथ में कुछ और भी बेनिफिट्स इसमें शामिल किए गए हैं जिससे क्या हो, सीनियर सिटीजन्स को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये है पॉलिसी में कोई गलती ना हो किसी भी तरीके से, जब कई बार होता है कि कई कंपनियां ऐसी होती है जो फ्रॉड करती है इंश्योरेंस से रिलेटेड। आपने इंश्योरेंस ले लिया है, 2-4 साल के बाद उसको भुनाना है, बीच में कहीं कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है तो क्या होता है, जब आप जाते हैं इंश्योरेंस का पैसा लेने, फिर वो कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती है, तरह तरह के बहाने बना देती हैं कि नहीं नहीं अभी तो आपका टेन्योर पूरा नहीं हुआ, आपने इतने पैसे ही जमा किए थे, अभी तो आपको इतना और करना है तो हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए IRDAI ने क्या किया है, नए रूल्स बनाए हैं। साथ के साथ में पहले जो टाइम लिमिट होती थी 4 ईयर्स की जिसको भुनाने की, अब उसको कम करके क्या कर दिया गया है, 3 ईयर्स कर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि क्या हो, सीनियर सिटीजन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक, अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो IRDAI है वो क्या है, क्योंकि हमेशा मैंने बात की है, जब भी कोई भी चीज़ इस तरीके की पढ़ाती हूँ तो हमेशा बोलती हूँ कि एग्ज़ाम में इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं IRDAI के बारे में क्या है। इसमें एक 10 सदस्यीय निकाय है, ये सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक मतलब जो हमेशा बने रहते हैं, अंशकालिक होते हैं जिनका टेन्योर कम जब पूरा हो जाता है तो उनको रिप्लेस करके किसी नए व्यक्ति को लाया जाता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण क्या करता है, सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो क्या करती है, IRDAI के सभी सदस्यों की नियुक्ति करती है। अभी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका है तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में है, और ये कहाँ पहले हुआ करता था, तो 2001 से पहले ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी न्यूज़ है, आपको उसमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई करनी होती हैं, तो आपको जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएँ उसको देखना होता है, फालतू की इधर उधर की न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं होती। हाँ, अब ये एक नया एडिटोरियल आया है, इसमें क्या बात की गई है, हाउ डू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स इम्पैक्ट एशिया। तो ये जो पूरा जो एडिटोरियल है, इसमें बहुत ज़्यादा ही डाटा दिया गया है, डाटा इन द सेंस कि 0.58 है, 0.6 है, इस तरीके से पर्टिकुलरली बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, और इतना सब कुछ याद करना इम्पॉसिबल ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, और सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी भी नहीं। तो हम इसमें देखेंगे एशिया के बारे में क्या बात की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से 2-4 अगर फैक्ट भी हमारे लिए काम के निकल आए तो वो हमारे लिए बहुत होगा। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये आपके GS पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला रीजन है, इन्वायरमेंट वाला जो एरिया है उससे रिलेट करता है। अब बात की जा रही है पर्टिकुलरली एशिया में क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली वो क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और एशिया में इंडिया भी शामिल है, तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक, तो इसमें बात की गई है कि 1960 के बाद से अगर अभी तक देखा जाए तो डे बाय डे क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, और हमने IMD वगैरह की डाटा भी पढ़ी है कि 2023 जो था वो सबसे वार्मेस्ट था। ठीक है ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्म साल था 2023 का, और ये यहीं पे रुकेगा नहीं, 2024 इससे भी ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि 1960 के बाद से अगर टेम्परेचर वाइज देखा जाए तो साल दर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये एशिया रीजन में भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो पूरा डाटा है वो एशिया रीजन के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक, अब इसमें बात की गई है व्हाट टोल डिड हीट एक्सेक्ट ऑन एशिया। तो इसमें बात की गई है कि लगभग 2000 लोग जो है वो हर साल क्या हो रहे हैं, इसकी वजह से मर रहे हैं, 80% लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके के आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा आप याद नहीं कर पाएंगे कि 2000 लोग मर रहे हैं या फिर 10,000 लोग मर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक ओवरव्यू जब आपको आंसर लिखना होता है तो अगर एक ओवरव्यू दिमाग में फिट होता है तो लगभग करके आप वो आंकड़ा यूज़ कर देते हैं, तो आपका जो आंसर है मोर ऑथेंटिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात की गई
गई है कि आंकड़ों के माध्यम से कि हर साल लगभग क्या हो रहा है। अभी फिलहाल एक डाटा आया है कि अप्रैल एंड जून में, लास्ट ईयर अप्रैल एंड जून में क्या हुआ था, सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर अंदर 110 लोगों की डेथ हो गई थी इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस हीट की वजह से। अगली बात की गई है कि हाउ डिड फ्लड्स एंड स्टॉर्म्स अफेक्ट एशिया। तो मालूम है सभी को कि जो एशिया वाला रीजन है वो जिस क्षेत्र में आता है वहाँ पर क्या है, अगर आप इंडिया की बात करिए तो इस साइड में आपका अरब सागर है, इस साइड में आपको क्या मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगा, और फिर बे ऑफ बंगाल वाला रीज़न। तो बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी, यहाँ पर क्या होता है, समंदर है, साइक्लोन है, वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, और साइक्लोन जो है हिट करता है जब बांग्लादेश, इंडिया, इन सारी कंट्रीज़ को, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट एशिया को मिलता है। तो इसलिए बात की गई कि हाउ डिड फ्लड एंड स्टॉर्म्स अफेक्ट एशिया। तो इसमें बात की गई है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जैसे लास्ट ईयर मोचा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया हुआ था, और ये मोचा कहाँ पर आया था, म्यांमार और बांग्लादेश वाले एरिया में आया था मई 2023 में। और जब ये आया था तो सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार को तो हिट करेगा नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ भी सीमा साझा होती है उनकी। यहाँ वाला रीज़न जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपको मिलेगा म्यांमार। तो म्यांमार और बांग्लादेश में अगर कोई साइक्लोन हिट कर रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी पड़ता है। तो पूरे एशिया में क्या है, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगली यहाँ पर बात की गई कि हाउ वेल कैन एशिया स्पॉट अ कमिंग डिजास्टर। तो एशिया इस डिजास्टर से कैसे ट्रीट कर सकता है, कैसे निकल सकता है। तो इसमें बात की गई है एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की। अर्ली वार्निंग सिस्टम कहने का मतलब है कि साइक्लोन आ रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में पहले से ही क्या हो जाए, खबर हो जाए लोगों को। अभी तो जो IMD है वो तरह तरीके के ऐप वगैरह जारी करती है, समुद्र सेतु जैसे ऐप वगैरह है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते होते हैं, वहां पर अगर कोई साइक्लोन आने वाला होता है, कोई टाइड आने वाला होता है, तो फिर पहले ही वो IMD है इन्फॉर्म कर देती है वहां के मछुआरों को कि वो पानी में ना जाएं, समंदर में ना जाएं, क्योंकि वहां पर साइक्लोन हिट करने वाला है। तो इस तरीके का अर्ली वार्निंग सिस्टम को बना करके ही, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव करके ही क्या किया जा सकता है, इस तरीके के डिज़ास्टर से निपटा जा सकता है। साथ के साथ में इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि इंडिया क्या है, ऐसा नहीं है कि इंडिया प्रिपेयर नहीं है, इंडियाज़ अर्ली प्रिपेयर्डनेस व्हेन डीलिंग विद साइक्लोन्स इज़ कमेंडेबल। इंडिया ने अभी तक जितना काम किया है, अगर हमारी आबादी को देख लिया जाए और हमारे चैलेंजेस को देख लिया जाए, इंडिया का जो पूरा रीज़न है वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये पूरा रीज़न तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इंडिया ने जितना अच्छा काम किया है, आप देख रहे हैं अभी कि साइक्लोन वगैरह हिट करता है तो पहले ही हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर साइक्लोन आने वाला होता है, तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है ना। तो इंडिया की यहाँ पर तारीफ की गई है कि इंडिया जो है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम करने की ज़रूरत है। तो ये पूरी न्यूज़ थी आपके क्लाइमेट से रिलेटेड। यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट मिले होंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में कोट करने के काम आएंगे। अब हमारी अगली न्यूज़ है GS पेपर 3 में हेल्थ सेक्टर से। हेल्थ सेक्टर में, जो हेल्थ वाले सेक्टर में मेडिसिन से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। अभी क्या हुआ है, पहले तो हम हाईलाइट देख लेते हैं कि केमिस्ट ग्रुप रेजिस्ट सेंटर्स मूव टू सेल ड्रग विदाउट लाइसेंस। तो अभी क्या बात की गई है कि एक OTC ड्रग होता है। OTC मैंने पहले ही बताया कि ओवर द काउंटर। OTC का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसको डायरेक्ट जा करके काउंटर से ले लेना होता है बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये OTC दवाइयाँ जो हैं, आप डॉक्टर के पास न जाते हुए भी मेडिकल से जा करके ले लेते हैं। जिस तरीके से पैरासिटामोल होता है, एस्पिरिन होता है, जब आपको बुखार वगैरह होता है, सर दर्द होता है, तो आप रैंडमली जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और वहाँ से जाकर के आप दवाइयाँ ले लेते हैं। तो इस तरीके की OTC दवाइयों के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है जिसमें बोला गया है कि बिना लाइसेंस के भी इसको बेचा जा सकता है। अब ये जो है, जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके लिए एक कंसर्न बन गई है। क्यों कंसर्न बन गई है, क्योंकि इस तरीके से अगर बिना लाइसेंसिंग के इनको प्रोवाइड कराने की बात की जाएगी तो क्या होगा, नकली दवाइयाँ भी लोग बेच सकते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि कोई भी रैंडम व्यक्ति जिसको समझ ही नहीं है इस चीज़ की कि फीवर में आपको पैरासिटामोल लेना है या फिर सर दर्द में आपको डिस्प्रिन लेना है, और कोई भी व्यक्ति आकर के दुकान खोल के बैठ जाएगा और फिर वो कैसी भी दवाइयां दे देगा, तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AIO, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग। तो ये जो है एक तरीके का एसोसिएशन है जो क्या काम करता है, जितने भी केमिस्ट हैं उनका एक ग्रुप है जिनके बारे में ये देखता है। तो ये जो AI
ODCD है, इनने अभी अपना कंसर्न रेज किया है और गवर्नमेंट से बोला है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही पॉलिसी नहीं है कि OTC दवाइयों को आप इस तरीके से बिना किसी लाइसेंसिंग के बेचने के लिए परमिट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे। मैंने पहले ही बताया है कि ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, जान जाने का रिस्क हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है दुकान खोल के बैठ जाएगा और इस तरीके से सर दर्द की बुखार की दवाएँ बेचने लगेगा, फिर पता ही नहीं कि वो किस तरीके से हार्म करेंगी लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पर कंसर्न रेज किया गया है और यहाँ से आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपको बन सकती है, इस तरीके से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जिसको क्रिटिसाइज़ करना है तो कैसे क्रिटिसाइज़ करना है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे। और साथ के साथ में जब आपको अपना आंसर मोर ऑथेंटिक बनाना होता है तब आप ये भी करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोर्ट होती है, जब उस बारे में बात करती है तो उसके जो वर्डिक्ट्स होते हैं, उनके जो बात होती है, सेंटेंस होती है, उसको कोट करके आप अपने आंसर को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी न्यूज़ थी, अब चलते हैं, ये छोटी सी न्यूज़ है, पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, लगभग 2-3 दिन तक हमने इसको डिस्कस किया था लास्ट मंथ, क्योंकि अलग अलग स्टेट जो थे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वो क्या कर रहे थे, अपना अलग अलग कंसर्न लेकर के मामले को कोर्ट में पहुंचा रहे थे। ये जो पूरा टॉपिक है ये जीएस पेपर टू में जब केंद्र राज्य संबंधों की बात आती है तो वहाँ पर आपको ये पूरा टॉपिक लिंक करता है। तो केंद्र राज्य संबंधों में जब बात आती है तो सहकारी संघवाद की बात आती है, साथ के साथ में शक्ति के पृथककरण की बात आती है और वहीं पर ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अभी फ़िलहाल न्यूज़ किस लिए आई है, न्यूज़ इसलिए आई है कि जो फ्लड आया हुआ था केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, तो उस टाइम पे फंड मांगा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भी था कि हम लगभग 389 करोड़ रुपीज़ क्या करेंगे, आपको देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका आधा ही प्रोवाइड किया स्टेट्स को। इस वजह से स्टेट्स जो हैं वो कोर्ट में गई कि हमें फ़ंड पूरा नहीं मिल रहा है और हमारे लिए ये जो फंड मिला है गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो इनफ नहीं है, बिकॉज हमारा जो फ्लड आता है या कोई डिज़ास्टर होता है इसकी वजह से हर साल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, ख़राब होता है, हानि होती है हमें, और फिर उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, लोगों को वापस से मुख्य ज़िंदगी में वापस से लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में वापस से लाने के लिए बहुत रिसोर्सेज, बहुत पैसा लगता है। तो ये जो मामला जब कोर्ट में गया था उसके ऊपर कोर्ट ने अपनी सुनवाई की थी और फिर बोला था कि गवर्नमेंट को पैसे वगैरह देने चाहिए, और अभी गवर्नमेंट ने इलेक्शन को में रखते हुए कह लीजिए या जैसे भी कुछ फंड रेज किया है तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है। अब इसमें जो पूरी बात की गई है वो दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक तो है NDRF और दूसरा है SDRF। तो ये जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड और ये स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड। तो ये जो दो रिलीफ फंड है, रिलीफ फंड यानी कि पहले ही उसमें मेंशन है राहत कोष, जब भी कोई फ्लड आए, कोई भी तूफान आ जाए, साइक्लोन हिट करे, तो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए इस तरीके के फंड पहले से बने होते हैं और उसका यूज़ करके वहाँ पर क्या किया जाता है, फिर से अवसंरचनात्मक विकास किया जाता है। तो आर्टिकल पूरे जो न्यूज़ है वो SDRF NDRF के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है क्या। तो ये क्या होता है, इसके नाम में ही मेंशन है कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके का फंड रेज करती है, और इस फंड में क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में राहत के लिए, आपदा प्रतिक्रिया के लिए और पुनर्वास के लिए यानी कि रिहैबिलिटेशन के लिए, फिर से लोगों को उनके मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए एक फंड तैयार किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, राहत कोष या फिर रिलीफ फंड बोलते हैं। अगर ये सेंटर के द्वारा बनाया जाता है तो उसको कह देते हैं नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, और अगर ये किसी स्टेट के द्वारा बनाया जाता है तो उसको कह देते हैं स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड यानी कि SDRF। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद में क्या है, ये जो है इसके पहले क्या होता था, जब राष्ट्रीय आपदा फंड अभी नहीं आया होता तो उसके पहले उसको राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि बोला जाता था, आकस्मिकता निधि यानी कि NCCF बोला जाता था, जिसको अब क्या बोला जाता है, NDRF यानी कि रिलीफ फंड बोला जाता है। ठीक, अब जो पूरा ये जो फंड है वो किस एक्ट के तहत काम करता है, तो 2005 का एक्ट है, अधिनियम है DMA यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके थ्रू क्या होता है, ये फ़ंड रेज किया जाता है और वहाँ पर चीज़ें मेंशन होती हैं कि जब इस तरीके की आपदा आएगी तो कितने परसेंटेज शेयर्स जो हैं वो स्टेट को दिए जाएंगे। ठीक है ना,
तो ये पूरी न्यूज़ हुई। अब इसमें ये चीज़ एक पूछी जा सकती है कि डीएमए की धारा कौन सी है, तो धारा 46 जो है वो एनडीआरएफ को परिभाषित करती है। तो जो नेशनल डिजास्टर फंड है उसकी परिभाषा लिखी हुई है, कहाँ पर लिखी हुई है, सेक्शन 46 में। सेक्शन 46 किसका, तो डीएमए एक्ट 2005 का सेक्शन 46 एक्ट जो है वो बात करता है किसके बारे में, एनडीआरएफ के डेफिनेशन के बारे में। तो जो न्यूज़ थी उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके का खाता या फंड रेस करती है, इसको सार्वजनिक खाता बोल दिया जाता है। ब्याज रहित होता है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं होता, ब्याज रहित आरक्षित निधि होती है, जब जिस स्टेट को जरूरत होती है उनको वो दे दिया जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आज किसी स्टेट ने लिया तो फिर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अपने डिजास्टर को क्या करने के लिए, रोकने के लिए इस तरीके के फंड का यूज किया जाता है। ऑडिट कौन करता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी जो है वो समय समय पर इसकी ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई फंड कोई स्टेट जो है वो यूज़ करती है तो उसने उस फंड को सही तरीके से यूज़ किया कि नहीं किया, सही जगह पे जिस काम के लिए लिया था उसको वहाँ पर यूज़ किया या नहीं किया, इसके लिए क्या होता है, सीएजी टाइम टाइम पे ऑडिटिंग करती है। तो ये इसमें भी ऑडिटिंग का प्रोविज़न लिया गया है, ठीक है। तो ये जो पूरी न्यूज़ थी, अब ये पूरा अंडर किसके आता है, तो वित्त मंत्रालय के अंडर ये सारी चीज़ें आती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये एक पिक्चर है, पिक्चर देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बात कर रही है अभी जो हीट वेव वाली कंडीशन है। हमने बताया था कि आईएमडी ने इस बारी बोला है हीट वेव लाइक कंडीशन है, और जो अप्रैल था इस समय में या मई का जो समय आने वाला है उसमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होने वाली, इलेक्शन का भी टाइम है। इसी बीच में ये एक पिक्चर है राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी की कमी तो ऐसे भी वहाँ पर है और वहाँ पर सभी को मालूम है कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है महिलाओं को। तो यही एक पिक्चर में बता रहा है कि महिलाओं को इतनी गर्मी में भी अपने घर से इतना कोसों दूर आ करके यहाँ पर पानी भरनी पड़ रही है और क्लाइमेट का इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये जो न्यूज़ है जो हमने कल डिस्कस करने की बात की थी, ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 में आप इसको एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। तो जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है तो सबसे बड़ा वेस्ट हमारे घरों से निकल के आता है, घरेलू कचरा सबसे ज़्यादा वेस्ट का कारण बनता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, ये केरल का कॉन्सेप्ट है। केरल में एक तरीके का ग्रुप चलता है, ग्रुप का नाम क्या है, हरखा कर्मा सेना। तो ये हरखा कर्मा सेना जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HKS। तो ये केरल में एक तरीके का ग्रुप है जो क्या करता है, हरखा कर्मा सेना ये क्या काम करती है, घर घर जा कर के डोर टू डोर जा कर के जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट करती है। कैसे कलेक्ट करती है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, इस तरीके से। तो ये हरखा कर्मा सेना जो है कहाँ की है, केरल की है, ये वेस्ट को कलेक्ट करती है और उसके बाद उसको ले जा करके और अपने प्लांट्स में इसको क्या करती है, प्रोसेसिंग करके उससे कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाती हैं। तो ये जो पूरी न्यूज़ है वो केरला के बारे में बात करती है। अब इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए हैं कि इसमें लगभग 12,000 लोग काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक अच्छा ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसमें जो है केरला गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन लोगों की और वेस्ट को मैनेज करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं था। अवेयरनेस वगैरह फैलाने की बात की गई है, डोर टू डोर जा करके ये हरखा कर्मा सेना क्या करती है, वेस्ट को कलेक्ट करती है, साथ के साथ लोगों में अवेयरनेस भी फैलाने का काम करती है कि उनको गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए और किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए, अगर कोई चीज़ रीयूज़ करने लायक है तो उसको रीयूज़ करना चाहिए। तो ये कल की न्यूज़ थी जिसको हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थी जिसको हमने अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।